नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन शेयर के बारे में, जिसका आज फ्यूचर और ऑप्शन में जो न्यूज़ आया है कि फ्यूचर ऑप्शन में इसे एंट्री किया जाएगा। तो ये तीन शेयर जो न्यूज़ वाले शेयर हैं, जिसमें काफ़ी तेज़ी आपको आने वाले समय में देखने मिल सकता है। जैसे ये फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है स्टॉक, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ने वाला है। तो ये शेयर से हमारा डॉक्टर लाल फैथ लैब, HDFC AMC और आरती इंडस्ट्री। दोस्तों, इन तीनों शेयर्स के बारे में हमने बताया था कि तीनों जो है मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक्स है, जो आने वाले समय में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो तीनों शेयर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को और इसमें आज क्या ट्रेडिंग रहा, कितना परसेंट मतलब जो शेयर है वो डिलीवर हुआ, कितना ट्रेड हुआ। साथ ही साथ हम इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट पर ये स्टॉक्स कैसा दिखता है, क्या हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न यहां से ये स्टॉक दे सकता है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें आरती इंडस्ट्रीज का। आरती इंडस्ट्री देखते हैं अभी जो करेंट प्राइस है 1217 रुपीज, और आज ये स्टॉक देखते हैं 2 रुपीज डाउन है, मतलब आज 2 रुपीज का इसमें गिरावट देखने मिला है। अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें, तो जैसे आप वैल्यूएशन पर क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक का जो वैल्यूएशन है अभी 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक बड़ी मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पर देखते हैं पी जो इसका है अभी 46 का, जबकि इंडस्ट्री 38 है, मतलब इंडस्ट्री के पी से काफी ऊपर है स्टॉक। डिविडेंड 70% का और फेस वैल्यू जो है 5 रुपीज का है और अर्निंग पर से 26 रुपीज का। ये स्टॉक ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, मतलब कई सारे इन्वेस्टर को लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे करोड़ों का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक में से एक है, जो कि काफी ज्यादा अपने इन्वेस्टर को मतलब रिच बनाया है। अगर बात करें कॉर्पोरेट टैक्सन का, तो कंपनी के कॉर्पोरेट टैक्सन चलते हैं, तो कंपनी देख सकते हैं डिविडेंड हर साल देती है, 2020 में 3 बार, उस 19 में भी कई बार दिया है। आप व्यू मोड पर क्लिक करके पूरे डिविडेंड के रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं। बोनस की बात करें तो 19 में बोनस दिया, 2019 में, 2004 में, 1994 में, तो बोनस भी मतलब रेगुलर इंटरवल पे दिया है लगभग कंपनी। 2006 में कंपनी स्टॉक स्प्लिट किया था, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे कंपनी जो अपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल की बात करें, तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफी जबरदस्त है। कंपनी का सेल्स देख लीजिए 1000 करोड़, वहां से हो गया 1172 करोड़। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट था सितंबर 2019 में 151 करोड़ था, वहां से देखते घट करके हो गया 143 करोड़, और जबकि जो पिछला क्वार्टर था जून क्वार्टर में काफी ज्यादा प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट काफी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एनुअल बेसिस पे बात करें तो प्रॉफिट काफी जंप हुआ है। 2016 में प्रॉफिट था मात्र 268 करोड़, जो कि बढ़कर के हो गया 546 करोड़। देखते हैं प्रॉफिट में काफी जंप है, और सेल्स में भी 3000 करोड़ से देखते हैं 4000 करोड़ हो चुका है, तो सेल्स में भी जंप और प्रॉफिट में भी जंप। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है प्रॉफिट में काफी जंप है। शेयर होल्डिंग की बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी जबरदस्त है कंपनी का। यहाँ पर देखते हैं 2019 सितंबर में 48% का स्टेक था, 48.29, और यहाँ पर है 47.55। थोड़ा सा स्टेक प्रमोटर्स ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, थोड़ा सा प्रमोटर का स्टेक घटा है, लेकिन अच्छा खासा स्टेक है, लगभग 50% है, जो कि अच्छा माना जाता है। 50% के आसपास हो प्रमोटर्स का स्टेक तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ आरती इंडस्ट्री के जो प्रमोटर्स है उसके जो स्टेक अलग अलग कंपनियों में भी है, जैसे आरती सर्फेक्टेंस में भी है, आरती ड्रग्स में भी है, तो इस तरह से समझ सकते हैं काफी अच्छे प्रमोटर्स हैं और काफी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का काफी बेहतरीन है। तो ये सारे फंडामेंटल मतलब पैरामीटर्स है जिसपे ये कंपनी काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें इसके बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट पे आप देखते हैं कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 87 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी के पास 2008 करोड़ का है, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है यहाँ पर देखते हैं रिजर्व और सरप्लस। वहीं माइनटेन टेस्ट की बात करें, तो कंपनी माइनटेन टेस्ट पे करती है 94 करोड़ के ऊपर, और वहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है कंपनी के पास कितना है 580 करोड़ का, तो जो कि हम लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग होता है उसको हम डेट के रूप में कंसिडर करते हैं कंपनी का, तो कंपनी के ऊपर डेट भी है। वहीं बात करें नीचे चलते हैं, तो कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है 247 करोड़ का, तो कंपनी के पास जो कैश है वो 247 करोड़ के आसपास है, जो कि अच्छा खासा है कंपनी के पास। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कंपनी का जो कैश और इक्विवेलेंट है, ये पिछले साल के तुलना में डिक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल देख सकते हैं कि लगातार इंक्रीज हो रहा था, तो पिछले साल काफी हैवली इंक्रीज हुआ था, जो कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है। अब चलते हैं आरती इंडस्ट्रीज के
टेक्निकल एनालिसिस पर, क्या लेवल्स और टारगेट बनता है, कंपनी कितना मतलब आपको प्रॉफिट दे सकती है, और क्या आपका मतलब इंट्री प्राइस होगा, किस प्राइस पर आपको इंटर करना चाहिए जहां से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है ये कंपनी। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमने टेक्निकल चार्ट इसका ओपन किया है, ये हमारा ब्लू लाइन है 200 डे का मूविंग एवरेज, और ये हमारा जो रेड लाइन है 50 डे का मूविंग एवरेज, और कंपनी देखिएगा टेक्निकल चार्ट पे काफी सॉलिड है, और ये हमारा जीरोधा का वेबसाइट है। हम जीरोधा में आप जो अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्री में सारी चार्ट देख सकते हैं, जो भी आप ट्रेडिंग व्यू पर पेड लेते हैं चार्ट, वो सारा चार्ट आप फ्री में जीरोधा पर देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के हैं चार्ट को जीरोधा भी फीचर करता है, तो अगर आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है, नंबर वन ब्रोकर है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए, और हमारे लिंक से ओपन करते हैं तो आपको जो भी सहायता होगा आपको सारा फ्री मिलेगा। आपको बस अकाउंट ओपन करना है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है कि अपना जो आईडी होगा उसके साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना अच्छा मतलब ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। देखते हैं इस ट्रेंड लाइन को जब जब मतलब ये टच किया है तो थोड़ा सा करेक्शन हमेशा इसमें देखने मिला। देख सकते हैं यहाँ से फिर करेक्शन, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, फिर करेक्शन, यहाँ पर टच किया, फिर से करेक्शन, यहाँ पर टच किया, फिर से करेक्शन। ये तो पैंडेमिक वाला है, इस पैंडेमिक के कारण सारे स्टॉक में गिरावट हुआ था, तो इस स्टॉक में भी यहाँ पर हुआ, यहाँ पर टच किया, फिर से गिरावट, यहाँ पर टच किया, देख सकते हैं फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस तरह से आप नीचे भी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, यहां पर मिलाइए और देख सकते हैं इस लाइन को मिलाइए, तो देख सकते हैं ये पैंडेमिक के कारण गिरावट है, तो एक ही बार ये इस लाइन को मतलब जब ब्रेक किया तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिला, नहीं तो ये हमेशा देखते हैं इस लाइन को टच करता, थोड़ा सा गिरावट के बाद फिर से इसमें मोमेंटम ऊपर की ओर देखने मिलता था। तो दोस्तों जब ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप देखें ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है तो अपना SIP इसमें स्टार्ट कर दें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, तो आपको इस लाइन के पास जैसे स्टॉक आए तो आपको यहाँ पर इंटर करना है, और इसके जस्ट नीचे आपको जो पिछला सपोर्ट होगा, ये जो सपोर्ट प्राइस है देख सकते हैं, इसके नीचे जस्ट स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि कभी भी अपने ये पिछला जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया है, बस इस पैंडेमिक को छोड़ दें, पैंडेमिक के कारण जो कोरोना वायरस का गिरावट था तो कभी भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। तो दोस्तों जैसे ये स्टॉक यहाँ पर आता है आपको इंटर कर जाना है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच करता है आपको इंटर कर जाना है, और जस्ट पिछला जो लो है इसके जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो होगा ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर वाला जा रहा है ये आपका टारगेट होगा। दूसरा सिनेरियो बनता है अगर ये यहीं से रिवर्स होता है और ब्रेकआउट देता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो होगा जस्ट इस ये जो यहाँ पर लो बनाएगा इसके जस्ट नीचे होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, और जो टारगेट होगा आपका यहाँ पर, अगर यहाँ से बात करें तो देख सकते हैं ये जो लेवल से हमारा ये लगभग 1300 है, और नीचे जो हमारा लेवल है वो है हमारा 975, तो यहाँ से लगभग आपका जो टारगेट होगा 1650 होगा, मतलब 1650 रुपीज़ तो पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर निकलता है तो बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। तो कुछ इस तरह से मतलब इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि यह स्टॉक मैंने 900 के आसपास जब था यहीं पर मैंने रिकमेंड किया था, और यहाँ पर मैंने इसमें पोजिशनल ट्रेड भी लिया था, और इसको मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था। आज जो इस शेयर का करेंट प्राइस है वह है 1210 रुपीज़, और आज ये 7.65 रुपीज़ डाउन है। वहीं क्वांटिटी ट्रेड बात करें, टोटल क्वांटिटी जो आज ट्रेड हुआ वो है 4,47,173 शेयर, जिसमें से जो क्वांटिटी डिलीवर हुआ वो है 2,27,709 क्वांटिटी। अगर परसेंटेज में बात करें 50.92% क्वांटिटी जो है वो डिलीवर हुआ है। वही कंपनी इन्फॉर्मेशन में चलते हैं, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आप जो है जो देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड 19 नवंबर को एक्स डिविडेंड था, जिस दिन 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया, तो यहाँ सारा डिविडेंड का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। पहली कंपनी आरती इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ऑप्शन में एंट्री मिला है, दूसरी जो कंपनी है वो HDFC AMC। दोस्तों ये कंपनी मैंने कई बार आपको बताया था, जब ये
2200-2300 के प्राइस पर था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको आगे चलकर एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि ये जो है हमारा सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, HDFC ग्रुप की कंपनी है। साथ साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा काफ़ी सुरक्षित होगा इस स्टॉक में। और ये स्टॉक अगर 3000 के पार करता है तो क्या टारगेट होगा वो आपको हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर। चलिए हम फंडामेंटल जो इसके है उसको जान लेते हैं। तो कंपनी के वैल्यूएशन चलते हैं, 60,000 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन है, एक लार्ज कैप कंपनी है और डिविडेंड तो देख लीजिए 560% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 5 है, अर्निंग पर शेयर 58 है और यहाँ पर देखते हैं डिविडेंड 0.98 है। कॉर्पोरेट टैक्सन पर चलते हैं, कंपनी के कॉर्पोरेट टैक्सन में आपको कुछ खास देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ डिविडेंड देखने मिलेगा। 2019 में 2 बार कंपनी दिया, 2020 में कंपनी 1 बार डिविडेंड दे चुकी है, तो डिविडेंड देने में भी कंपनी काफ़ी शानदार है। बोनस, स्टॉक स्प्लिट कुछ भी देखने नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है। उसके बाद फाइनेंशियल पर चलते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी का सेल्स देख लीजिए 498 करोड़, और यहाँ पर देख लीजिए कुछ खास जो है पैंडमिक के कारण प्रभावित नहीं हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है कंपनी का जो सेल्स है। कंपनी प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, पहले 368 करोड़ था सेप्टेम्बर में, इस बार हुआ है 338 करोड़, तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है कंपनी का जो सेल्स है। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी जंप है, 477 करोड़ था 2016 में, जो कि हो गया 1,262 करोड़ का, और सेल्स भी कंपनी का 1,442 करोड़ से बढ़कर के हो गया 2,000 करोड़ का। तो एनुअल बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, तो काफी कुछ अच्छा चल रहा है कंपनी में। मतलब पैंडमिक के कारण कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है इस बड़ी कंपनियों पर। वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, पहले कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का स्टेक था 79.67, लेकिन जो सेबी का न्यू गाइडलाइंस उसके अनुसार 75% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आप प्रमोटर्स का स्टेक देखते हैं 73.93% हो चुका है। और ये जो स्टेक सेल हुआ वो FS के थ्रू हुआ, ऑफर फॉर सेल के तहत, जो कि था जो जिसका फ्लोट प्राइस था 2,360 रुपीज़ के आसपास, जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने मिला था। वहीं FIs देखते हैं 8.79% है इसमें, DIs का स्टेक है 7.03 का और अदर्स का जो स्टेक है इसमें 10.26% का। तो ये सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर, कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के पास 106 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस है कंपनी के पास 3,900 करोड़ का, और कंपनी के पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें 0 है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। वहीं कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 27 करोड़ का कंपनी के कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो सारी चीज़ें कंपनी के काफ़ी अच्छी है, कंपनी के काफ़ी फेवरेबल है। तो हम आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पर, यहाँ पर कंपनी का आज का कारोबार क्या है वो देख लेते हैं। कंपनी आज जो करेंट प्राइस है वो है 2,865 रुपीज़, आज कंपनी का शेयर प्राइस है 26.75 रुपये से अप है, मतलब आज कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने मिला। वहीं क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो 2,43,000 क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ, जिसमें से 95,000 क्वांटिटी जो है डिलीवर हुआ है, और डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो है 39.35%। तो काफ़ी अच्छा, मतलब है काफ़ी अच्छी बातें हैं कि कंपनी के इतने इतने जो शेयर है वो डिलीवर हो रहे हैं। कंपनी की डिविडेंड की बात करें तो जो एक्स डिविडेंड डेट था वो 9 जुलाई 2020 था और 28 रुपये का डिविडेंड था, और लगातार देखते हैं डिविडेंड बढ़ रहा है। पहले 2019 में 12 रुपीज़ का डिविडेंड था, इस बार 28 रुपीज़ का डिविडेंड दिया कंपनी ने। तो हर चीज़ कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी डेट फ्री है, सेक्टर के लीडिंग कंपनी है, HDFC ग्रुप की कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम जीरोधा के चार्ट पर। जीरोधा में अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया, जरूर ओपन कर लीजिए। जीरोधा नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस है, और यहाँ पर आपको जो डिलीवरी में आप कोई शेयर बाय करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ आप इंट्राडे करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पर ट्रेड लगेगा। साथ ही साथ सारे चार्ट जो ट्रेडिंग व्यू पर आप देखते हैं वो फ्री में यहाँ पर देखते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जो कोई भी सहायता होगा तो आपको हम अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ सारी सहायता आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पर ये स्टॉक जो अभी जो यहाँ से मोमेंटम दिखाया, मतलब जो तेज़ी आई है स्टॉक में, अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, यहाँ पर देख लीजिए 3000 के लेवल को क्रॉस करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। क्योंकि जो पहले रेसिस्टेंस था इस स्टॉक का, ये देख सकते हैं कि 2800 था,
2800 जिसको क्रॉस करने के बाद यहाँ सस्टेन होने का कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। अगर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद तेजी आती है तो फिर ये 3000 जो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा उसको क्रॉस करने के बाद एक ज़बरदस्त मोमेंटम आपको इस स्टॉक में देखने मिलेगा जो कि इसको 4000 के लेवल तक ले जाएगा। अगर इसमें यहाँ से गिरावट आता है तो फिर आप देख सकते हैं जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 2400। तो यहाँ से अगर नीचे गिरावट आता है तो 2400 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो अभी इसी रेंज में स्टॉक चल रहा है, इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये रेंज, ये जो ऊपर का रेंज था मतलब ऊपर का जो लिमिट था 2800 उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। अगर यहाँ पर ब्रेक करने में सफल होता है फिर आपको ऊपर एक ज़बरदस्त तेजी देखने मिलेगा। तो दोस्तों जो भी इस लोग इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो आप SIP मोड में इन्वेस्ट करते रहिए, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। और यहाँ पर देखते हैं ये जो काफ़ी मतलब फाइनेंशियल सेक्टर बोला जा रहा था काफ़ी प्रभावित रहेगा, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। कंपनी के आपने सारे पैरामीटर्स देखे, सारे जो सेल्स और रेवेन्यू है काफ़ी अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे सारे सिनेरियो जैसे अच्छे होंगे तो काफ़ी तेज़ी देखने मिलेगा आपको इस कंपनी के शेयर के प्राइस में। तो इसमें लेवल्स और टारगेट आपने देख लिया, टारगेट इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अनलिमिटेड है। और जो मतलब हमारा नीचे अगर स्टॉप लॉस की बात है तो 2000 इसका मेजर मतलब स्टॉप लॉस होगा अगर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। 2000 के प्राइस को मतलब लेवल को कभी ब्रेक करता है तो फिर इसमें आप समझ जाइए कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में वीकनेस आ सकता है। तो इस तरह से इस 2000 के प्राइस को जल्दी ये ब्रेक नहीं करेगा, देखते हैं पैंडमिक में भी ये ब्रेक नहीं किया तो ऐसे ब्रेक करने की संभावना काफ़ी कम है। अगला जो तीसरा स्टॉक है हमारा जिसको फ्यूचर और ऑप्शन में एंट्री मिला है वो है डॉक्टर लाल पैब। इसका करेंट प्राइस देखते हैं 180 रुपीज है और आज ये 23 रुपीज अप है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन है, जो डायग्नोस्टिक लैब है इंडिया में अभी भी उसकी नंबर वन कंपनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो काफी बेहतरीन कंपनी है। और इसके वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है 18,000 करोड़ मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड जो देती है 120%, फेस वैल्यू 10 है, अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज का है। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन पर चलते हैं तो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे डिविडेंड कंपनी हर साल देती है, 2019 में 2020 में दो बार। व्यू मोड पर क्लिक करके आप 2018-17 में कितना कंपनी डिविडेंड पे किया वो देख सकते हैं। बोनस पर चलते हैं, कंपनी बोनस कभी नहीं दी, स्टॉक स्प्लिट कंपनी कभी नहीं की क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल पर चलते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का जो फाइनेंशियल देखिए काफी जबरदस्त है। यहाँ पर देख लीजिए सेल्स जो है 2019 सेप्टेम्बर में था 365, यहाँ पर हो गया सेप्टेम्बर में 431 करोड़ का। सिर्फ यहाँ पर जून क्वार्टर में पैंडेमिक के कारण कुछ गिरावट आया था लेकिन जो है हमेशा सेल्स में वृद्धि हुआ है। तो कंपनी का सेल्स देखते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए लगातार इंक्रीज हुआ, 81 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़, और थोड़ा सा पैंडेमिक कारण पिछले क्वार्टर में डिक्रीज हुआ था जून क्वार्टर में। और ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेते हैं, कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, देखते 133 करोड़ से प्रॉफिट 227 करोड़ हो गया, सेल्स 791 करोड़ से बढ़कर के हो गया 1330 करोड़, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, देखते हैं 56.91% था प्रमोटर्स का स्टेक जो कि अभी है 55.23%, तो लगभग कांस्टेंट बना है, थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 1% जो कि अच्छा खासा है, 50% से अधिक का स्टेक होना चाहिए। उसके बाद FIs का बात करें तो 22 का FIs का स्टेक है, DIs का 15.77% का, और जो अदर्स का स्टेक है 6.58 का। तो इस तरह से देखते हैं जो अच्छा खासा स्टेक है इसमें सारे के सारे मतलब जो FIs DIs हैं, अदर्स का स्टेक मतलब पब्लिक का स्टेक काफ़ी कम है। बैलेंस शीट की बात है, कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी ज़बरदस्त है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास 83 करोड़ का है, रिजर्व सरप्लस 949 करोड़ का है। और हमने पहले ही बोला था बिना देखे कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, देखते हैं कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। तो इस तरह से आप देखते हैं कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी शानदार कंपनी है। एक कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 569 करोड़ का है जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है। तो सारे पैरामीटर्स जो कंपनी के फेवर में है। वहीं हम चलते हैं NSE के वेबसाइट पर, कंपनी का आज का जो देख लेते हैं कि आज का ट्रेड कैसा हुआ है, आज का कारोबार कंपनी का कैसा हुआ है। आज का देखते हैं तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है 2182 रुपीज है, आज ये कंपनी का शेयर प्राइस 26 रुपीज से अप है। और कंपनी का जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ शेयर का 1,03,397 शेयर ट्रेड हुआ है, जिसमें 54,336 शेयर डिलीवर हुआ है। डिलीवरी का परसेंटेज जो है काफ़ी हाई है, 52.5
5%। और फ्यूचर ऑप्शन में जैसे मतलब एंट्री मिलता है कंपनी का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाएगा और कंपनी फ्यूचर ऑप्शन में जब ट्रेड होगी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने मिल सकता है इन तीनों स्टॉक्स में। तो हम आ चुके हैं जीरोधा के वेबसाइट पर, यहाँ पर देखते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट पर क्या लेवल्स और टारगेट दिखता है। तो कंपनी का चार्ट देखते हैं कितना सॉलिड है, कंपनी लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ पर बात करें थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। ये हाई अपना बनाया था 2400 का और दोस्तों ये स्टॉक हमने काफ़ी पहले आपको रिकमेंड किया था जब ये आपका स्टॉक जो था जब 1300 के आसपास था 1300, उसी समय से मैं ये स्टॉक काफ़ी रिकमेंड किया था कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। दोस्तों ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, अपने मतलब जो डायग्नोस्टिक लैब है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और ये एक MNC कंपनी है, मतलब कई सारे कंट्रीज में भी कंपनी के बिजनेस धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया में कंपनी का बिजनेस काफ़ी लार्ज स्केल पर, धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज में भी कंपनी अपने बिजनेस को ले जा रही है। तो लॉन्ग विजन वाली कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और पिछले 2018 ईस्वी से देखते हैं स्टॉक काफ़ी अपट्रेंड था, उसके पहले जब कंपनी लिस्ट हुई थी थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे देखने मिला था, लेकिन 2018 से ही कंपनी का जो स्टॉक है लगातार अप ट्रेंड में है, कभी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया सिर्फ इस पैंडमिक को छोड़ दे तो। तो दोस्तों काफ़ी सॉलिड है, चार्ट पैटर्न भी काफ़ी सॉलिड है कंपनी के शेयर प्राइस का। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर देखना चाहें ये स्टॉक कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो है इसका टाइम चार्ट को काफ़ी लार्ज कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में ही है, यहाँ पर कंसोलिडेट करा, यहाँ से फिर तेज़ी देखने मिला। अगर फ्यूचर ऑप्शन में एंट्री करने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है और कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आता है और अगर ये 2400 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक बहुत बड़ा रैली आपको इस स्टॉक में देखने मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।